उत्तर प्रदेश में भरपूर बिजली उपलब्ध होने के बावजूद गांवों में 6 घंटे कटौती का मामला तूल पकड़ रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में 6 पावर हाउस बिजली की अधिकता यानी रिजर्व शटडाउन की वजह से बंद किए गए हैं। वहीं 4 बिजली घर तकनीकी वजहों और मरम्मत कार्य के चलते बंद किए गए हैं। पावर कॉरपोरेशन के इस रणनीति पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया है और इसे उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी बताया है। प्रदेश में 1 जुलाई से रोस्टर प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत ग्रामीण इलाके में 6 घंटे, बुंदेलखंड में 4 घंटे, नगर पंचायत एवं तहसील मुख्यालय में 2.5 घंटे की कटौती की जा रही है। वहीं 10 पावर हाउस बंद कर दिए गए हैं। इसमें 6 उत्पादन इकाइयों के बंद होने की वजह रिजर्व शटडाउन बताया गया है। RSD के तहत टांडा की 1, 2, 3 और 4 इकाई, हरदुआगंज की यूनिट 7, 8 एवं 9 शामिल है। इन सभी को मिलाकर 795 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हुआ है, जबकि 10 यूनिटों को मिलाकर 1522 मेगावाट विद्युत उत्पादन कम हुआ है।